तो मान लो तुम अपने दोस्त के साथ एक गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, और उस गाड़ी का स्पीडोमीटर ठीक है और डिस्टेंस मीटर इस बार ख़राब है, जो हम लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा था उसका ठीक उल्टा, ठीक है। सो दिस इज़ योर कार, बहुत ही पुरानी एम्बेसडर लग रही है। एनी वेज, तो इसमें जो स्पीड है उसको हम नोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अभी से छोड़ो, उसको मैं समझाने वाला हूँ। जो हम लोगों ने ये जो पढ़ा था ना कि ये ऐसे ग्राफ है और इसका एरिया हम लोग रेक्टेंगल से निकालते हैं, उसकी पूरी इंट्यूशन तुम्हें आने वाली है फिजिकली, ठीक है, कि फिजिक्स में हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। सो कैसे करने वाले हैं, सो बेसिकली मान लो तुमने टाइम, जब तुम चले थे अपने घर से, तब तो तुम्हारा जो टाइम इक्वल टू जीरो पे तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी, मतलब उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने एकदम पिकअप गाड़ी का होता है, मान लो वो 10 तक पहुंच जाता है जैसे ही तुमने हल्का सा वो दिया, तो मान लेते हैं ऑन एन एवरेज कि वो 10 था, या 10 भी नहीं था, स्टार्टिंग में तो जीरो ही होगा, बिल्कुल आइडियल केस में कि जब गाड़ी रुकी हुई होती है तो जीरो ही होगा। उसके मान लो 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद अगर बिल्कुल हाईवे पे चल रहे हो आप, सो लेट अस से कि 10 की स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फिर उसके मतलब 2 मिनट के अंदर गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी आपकी 50 क्रॉस कर चुकी थी अगर गाड़ी का पिकअप अच्छा होगा, ठीक है। फिर मान लो 3 मिनट में वो आपकी हो गई 70, उसके बाद 4 मिनट पे हो गई 100, फिर 5 मिनट पे थोड़ी कम हो गई, कुछ आ गया होगा या ब्रेक मारा उसने, सो 60 हो गई, ठीक है। और चलो बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ठीक है। और हमने मान लो अगर एक सही लेकर बैठे हुए हैं, कोई मशीन टाइप की लेकर बैठे हुए हैं, कि हमने बहुत बारीक लेवल पे इसको किया है, जैसे मैंने तो तुम्हें अभी सिर्फ 5 6 वैल्यूज दिखाई हैं, जैसे कोई बंदा अगर ग्राफ बनाएगा इस चीज़ का तो वो कैसे बनाएगा, कि ये हमारा टाइम है और ये हमारी स्पीड है यहाँ पर, ठीक है। सो 1 मिनट में कितना है, फिर ये 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 6 7, है ना, ये आपका 10 20 30, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने बोला 1 मिनट में उसकी स्पीड 10 थी, फिर 2 मिनट में मान लो उसकी 30 हो गई, उसके बाद मान लेते हैं कि तीसरे मिनट में उसकी स्पीड 50 हो गई, उसके बाद चौथे मिनट पर उसकी स्पीड 80 हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद 5वें मिनट पे 70 हो गई, ठीक है, 6ठे मिनट पे ऐसे आ गई, और ये आपका इतनी इसकी आ गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अगर और अगर मानो ये और भी अगर आप बारीक होकर बनाते तो ऐसे करके इसका ग्राफ जो है वो बनता हुआ आपको दिखता है ना, हमने अलग अलग पॉइंट्स पर अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ऑन एन एवरेज हम ऐसा हमने एक ग्राफ इसको शो किया ऐसे करके, ठीक है ना, अगर मैं ऑन एन एवरेज बनाऊंगा तो ऐसा करके ग्राफ जो है इसका बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आपकी क्या क्या थी। अब मुझे यहां से ही बताना है कि अगर कोई बंदा ये पूछे मुझसे कि 4th मिनट तक, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ जैसे तुम्हारे घर से फोन आया कि तुम कहाँ तक पहुँच गए हो, तो टी इक्वल्स टू 4 तक आपको ये बताना है कि तुम कितने किलोमीटर तुमने ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। तो उसको बताने का क्या तरीका है वो हम जानने वाले हैं। अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा मैं अगर आइडियली कंडीशन ले लेता हूँ, तो मान लेते हैं इस टाइप का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा ऐसा करके बना दें, ऐसे करके एकदम परफेक्ट, ठीक है। सो अब हम क्या करें, क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस बताना है ना, तो हमें बताया कि यार अगर आप नॉर्मल बिल्कुल अगर मान लो आपकी गाड़ी एकदम ऐसी चल रही होती कि गाड़ी हमेशा 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पर चल रही है, और आपको चलते हुए अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं, ऐसा करो इसको घंटे मान लो, अभी ऐसे बच्चे वाला केस ले रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 4 घंटे से चल रहे हो, अगर आप 4 घंटे से चल रहे हो, तो आइडियली स्पीकिंग आप 80 किलोमीटर चल चुके हैं, है ना, सिंपल, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आप 80 किलोमीटर चल चुके हो। तो आप क्या करते हो, ज़्यादातर वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट्स इट, खत्म, मत, आपका आंसर आ जाता है ना, ये आपका डिस्टेंस हो जाता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हर टाइम पे आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है, फिर यहाँ डिक्रीज़ हो रही है, मतलब फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग नहीं कहेंगे, मतलब बेसिकली वेरिएबल है, इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है। तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि आप लगातार, जैसे हमने यहाँ बोला 4 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि आपने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया, नहीं, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लगातार 20 की स्पीड से नहीं चल रहे थे, आप पहले 0 पे थे, फिर आप धीरे धीरे 10 पे आए, फिर 10 11 12 13 14, फिर 20 हुआ होगा, 30 हुआ, फिर उससे हो सकता है कभी बीच में से डिप आ गया हो, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करा ना, ऐसे में ये शायद न्यूटन जो थे उन्होंने शायद ऐसे मतलब इसी आइडिया को दिया था, जो जो आपने सबसे स्टार्टिंग में देखा था ना, वो मैंने बताया भी था शायद, वो आइसेक बरो और लेबनीज और इन लोगों ने ये वाला आइडिया दिया था आपका, ठीक है। तो ये वाला आइडिया फिजिकल फॉर्मेट में है कि कैसे सोचा गया। तो हमने क्या करा, ये जो 0 से 4 घंटे का जो ये पूरा टाइम पीरियड है, इसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, छोटा, अभी अभी हम लोगों ने फाइनाइट छोटे छोटे डिस्टेंसेज में जो है इसको डिवाइड कर दिया ऐसे करके, तुम समझ गए होगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ठीक है। और हमने बस उतना मान लिया कि इन इंटरवल्स के लिए जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है, बस ये बोला मैंने, ठीक है ना। तो पहले मैं ऐसे करके ये डंडे जो है ये ऊपर तक खींच देता हूँ, जिससे कि क्लियर हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कांस्टेंट जो स्पीड होती है ना हमारी, जो कांस्टेंट स्पीड होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाती है,
जैसे कि अगर तुम इस वाले मोशन का ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ये आपका 4 घंटा है, ठीक है, तो स्पीड क्या है, ये 10 है, ये 20 है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट स्पीड इसकी 20 थी, कॉन्स्टेंटली, ना तो बढ़ी ना कम हुई, तो एकदम हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा इसका एकदम, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो अगर ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, तो इसको मानो मैंने बोल देता हूँ 1 मिनट बोल देते हैं हम इसको, तो 0 से 1 मिनट तक इसकी स्पीड जो थी वो इतनी थी, कॉन्स्टेंट स्पीड थी। फिर 1 मिनट से 2 मिनट में इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट थी इतनी, मान लेते हैं यह है 9, मान लेते हैं 9 स्पीड थी, ठीक है। फिर इतने से इतने में इसकी स्पीड इतनी थी, फिर इतनी थी, ठीक है ना, फिर इतनी थी, फिर आपकी इतनी कॉन्स्टेंट थी, फिर ये, ठीक है ना, समझ रहे हो, फील आ गई होगी, ठीक है। फिर आपकी एकदम से 35 हो गई 1 मिनट के लिए, फिर ऐसी, समझ में आ गया, आई होप तो समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि जो हमारा पूरा जो टाइम इंटरवल था 4 घंटे का, उसको हमने एन इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उन एन इक्वल पार्ट्स के लिए हमने जो स्पीड थी वो कॉन्स्टेंट ले ली, ठीक है ना, कि V1, V2, V3, V4 और ऐसे करते करते VN, ठीक है, ठीक है। और क्योंकि हमने वो जो एन इक्वल पार्ट्स लिए हैं वो हमने इक्वल लिए हैं, तो मान लो एक जो टाइम ड्यूरेशन है वो h डिस्टेंस का है, तो अगर मैं बोलूँ कि उसने h इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, V1 इंटू एच प्लस V2 इंटू एच प्लस V3 इंटू एच, और ऐसे चलता रहेगा आखिरी तक, यानी कि VN इंटू एच। तो फाइनली अगर आप इसको समेशन के फॉर्मेट में लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो इसको, VR इंटू एच, और R आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के n तक जाएगा, सही है। और अब तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बोलूँगा बोलो कि जो n इक्वल पार्ट्स हैं उसको आप n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाइए, ये आपका पूरा वो फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे h जो है वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। इनफैक्ट आप h के बारे में भी बता सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला है, मैंने तो बोला है कि आप 0 से 4 घंटे बताओ, कोई बोलेगा 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने का मतलब क्या है, कि हम ये जो रेक्टेंगल्स हैं इसका एरिया निकाल रहे हैं एक्चुअली। तो वहाँ से लगे मैथमेटिशियंस को ये आइडिया हो गया था, फिजिसिस्ट कह सकते हैं यहाँ वाले एंगल पे, कि एक्चुअल में जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है उसके लिए अगर हम इन रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे ना, तो वो हमें अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बता देगा जो हमने उसमें ट्रैवल किया है, ठीक है। सो वेलोसिटी से डिस्टेंस पहुँचने का ये एकदम बढ़िया नया तरीका है, ठीक है। सो सम ऑफ रेक्टेंगल्स ये रहा आपका, दिस इज योर सम ऑफ रेक्टेंगल्स, बिल्कुल उसी तरीके से हो गया जैसे लेबनीज और जो हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देखा था, है ना भाई। जो वेलोसिटी होती है आपकी वो भी तो किसी चीज़ का फंक्शन होती होगी, किस चीज़ का फंक्शन है हमारे वाले केस में, वो इस बार टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनफैक्ट लिख भी सकते हो कि वी आर की जगह पे मानो मैंने एक फंक्शन बना दिया है यहाँ पर, जो कि वेलोसिटी ऑफ टाइम, यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ जितना एक्यूरेटली मैंने पहले बोला था, क्योंकि वो पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस था और मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत ही जनरलाइज होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ये तो हम एक जनरल ऐसी रैंडमली फिजिकल फिनोमेना को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया, ठीक है ना, और इसी को ही हमने क्या बोल दिया आगे जाके, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है ना, ठीक है, मतलब सिग्मा का इंटीग्रेशन हो गया एक तरीके का। और हमने बोल दिया कि जैसे यहाँ पर ये जो एच है ये एक्चुअल में क्या है, अगर मैं बोलूँगा कि ए आर से लेकर के बी आवर्स तक, एच यहाँ पर आवर्स हैं, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर तुमने 2 टाइम इंस्टेंट्स ले लिए, तो वो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, और उसको आपने एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये बिल्कुल जो सेम चीज़ लिखी हुई है जो उन्होंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या बोल दिया, ए से लेकर के बी तक, और जो भी आपकी वेलोसिटी है मान लेते हैं उसको वी आर बोल देते हैं थोड़े टाइम तक के लिए, और उसको हमने डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करके इस तरीके से बोला गया इस चीज़ को। हालांकि तुम्हें पता ही है कि अगर हम इस डी टी को हटा देंगे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि ये तो बस एक नोटेशन है, पर आप लोगों ने ये पक्का फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो इस टाइप से दे रखी है कि वो टाइम का फंक्शन है, समथिंग लाइक मान लो 2t-3, ठीक है, और हमें डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, शायद अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो वो कहेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, जहाँ से जहाँ तक करोगे वहाँ से इंटीग्रेट कर देना, तो आपको इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वो तो बहुत रोड फॉर्मेट में होता है, पर यहाँ पे आप इंट्यूशन के साथ समझ सकते हो कि एक्चुअल में हम लोग वहाँ पे ये सम ऑफ रेक्टेंगल्स ही निकाल रहे होते हैं। कोई बोलेगा आपने बार बार अपर सम क्यों लिया है, मैंने कहा वो तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया था, आप चाहो तो लोअर सम वाले ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारा सीधा पढ़ना क्या है कि वो जो हमने एन इक्वल डिविजन्स करे हैं उस एक डिवीजन में, उस एक डिवीजन में हम स्पीड को कॉन्स्टेंट मान लेंगे, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, वो तो कहने वाली बातें हैं। जब हम ये बोल देंगे कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एक जो डिवीजन है वो बहुत ही वो जो डिवीजन की जो लेंथ है जिसको हमने h बोला है वो खुद 0 की तरफ टेंड करने लगेगा। तो इतना तो यार दुनिया में अप्रोक्सीमेशन लिया ही जा सकता है ना, वो तो मैंने पहले ही समझा रखा है पहली वाली वीडियो में, ठीक है। सो दैट इज़ द एंटायर कंसेप्ट। तो अगर इसका आंसर बाई चांस अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा वो, तो उसके लिए हमें ये फंक्शन पता होना चाहिए, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, मान लो ये फंक्शन आपका x का स्क्वायर है, ये जो दिख रहा है ना ऐसे करके ये जो जा रहा है, इतना फंक्शन x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर मतलब कि आपकी जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी फंक्शन है हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम का फंक्शन है, वो t स्क्वायर है, यानी कि जब टाइम जो है वो
एक यूनिट से बढ़ता है तो जो आपका जो वेलोसिटी होती है वो उसके स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाती है। एक मिनट हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जैसे यहाँ पे इन डेटा को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने ये फंक्शन कंसिडर कर लिया है। तो अगर अब मैं बोलूँ कि आपकी जो गाड़ी है वो इस फंक्शन को फॉलो कर रही है, VT=T², तो बताओ जब वो घर पे थी और फिर जब वो 4 घंटे ट्रैवल कर ली, ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर ऐसे होगा कुछ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और 4 - 0 दैट इज 4/n, ठीक है, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन तक जाएगा। फिर एफ के अंदर अब यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, तो हमारे को तो आर एच लिखना है यहाँ पर एक्चुअल में, तो आर एच, तो एच कहाँ से आएगा, एच ये आपका 4/n, ठीक है। बाकी आप इसको इसके अंदर डाल के देख लेना तो आपका आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। हालांकि अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो जो हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन में, ये 0 से 4 कर दिया तो इट वुड बी लाइक T³/3, कैसे आ रहा है क्या आ रहा है वो आप टेंशन होते हो, वो सब समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये बोल देते हैं ये हो जाएगा 4³/3, -0 है तो हटाई दो उसको, तो दिस वुड बी 64/3। आई गेस मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है, जो भी है तो 64/3 मीटर्स, मीटर नहीं किलोमीटर्स आ जाएगा अगर यूनिट यूनिट सब सही है। तो कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना सा था कि आपको इस चीज़ को फिजिकली समझाना था मेरे को बस, तो बस दैट वॉज द एंटायर आइडिया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो समझने लायक है कि जो हम एक चीज़ पढ़ते हैं डेरिवेटिव, जो हम लोगों ने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, ठीक है, और एक अभी हम लोगों ने नया नया कंसेप्ट बनाया एकदम ताज़ा ताज़ा, एंड दैट इज़ इंटीग्रल। अब तुम्हें शायद समझ में आने लग गया होगा कि ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हो गए। भाई अगर देखा जाए तो जो डेरिवेटिव था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पता क्या किया था, उसमें हमने ये बोला था कि अगर ये कोई कर्व है, ठीक है, मान लीजिए हमारा डिस्टेंस का कर्व है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो मैंने क्या बोला था कि इस कर्व को ऐसे लिखने से अच्छा कि हम इसको कुछ कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं। उसमें भी मैंने ये बोला था, अगर आप मेरा लेक्चर खोल के देखोगे तो उसमें मैंने बोला था इसको हम ऐसे लिख देते हैं ऐसे करके, कुछ कुछ फाइनाइट लेवल के टुकड़ों में हमने इसको बांट लिया था, ठीक है ना, ऐसे करके। समझ में आ रही है, कुछ याद आ रहा होगा, मैंने इस टाइप की चीज़ कराई थी कि एक तरीका तो हो गया कि आप पहले सीधे सीधे इतना था आपने, सॉरी, एक तो ये हो गया, एक और तरीका क्या हो गया इसी ग्राफ को बनाने का कि हम थोड़े और ज़्यादा टुकड़े लें, यानी यार वेट अ सेकेंड, हाँ, कि हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाएं, अगर तो ऐसे इतने इतने टुकड़े लिए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें भी हमारे साथ मेन प्रॉब्लम यही आ रही थी कि इसमें बहुत वेरिएबल था, तो इसमें हमने ऐसे करके इक्वल पार्ट्स बना दिए थे, और फिर बोला गया था कि जो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो अगर मैंने इसमें इतना चेंज लिया एक्स में तो इतना ही चेंज आएगा वाई में, पर अगर एक कर्व लोगे तो अगर इतने चेंज में यहाँ पर इतना आ रहा है तो यहाँ पर कुछ और ही आ रहा होगा, तो हमने ये किया था, उसको भी हमने ऐसे एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट था उसमें भी हमने यही चीज़ करी थी, पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम ठीक उल्टा कर रहे हैं इस चीज़ का, है ना, उसमें भी हमने ये करा कि हमारे पास अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, उसमें भी हमने ये करा कि हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो आई गेस समझ में आ गया होगा कि ये दोनों का जो सेंस है वो सेम है, और इन दोनों को ही पढ़ने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए, जो लैंग्वेज चाहिए, जो 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 कि इंट्यूशन चाहिए वो है लिमिट, है ना, क्योंकि लिमिट के बिना तो ये दोनों ही समझ में नहीं आने वाले हैं। जैसे ये था, ये जो कंसेप्ट था इसमें, हालांकि मैंने लिमिट, बल्कि हालांकि क्या, मैंने इसमें भी लिमिट समझाई थी आपको, राइट, कि ये जो हमने ये जो लिए, मैंने बोला था कि एक एक इंटरवल जो है ये एच है कि नहीं है, और जब हम बोलते हैं लिमिट के अंदर एच टेंड्स टू 0, एफ के अंदर एक्स प्लस एच, तो ये एच टेंड्स टू 0 का क्या मतलब होता है, उसी को तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि ये जो आपने डिविजन्स करे हैं, जैसे यहाँ पर कितने डिवीजन है, एक और ये दो और ये तीन, बस ये तीन डिविजन्स में आपने पूरा ग्राफ को तोड़ दिया, यहाँ पर कितने डिविजन है, यहाँ पर मान लो 10 डिवीजन है, तो अगर ऐसे एन डिविजन हो और उनको मैं इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊँगा तो मेरे को ये कर्व मिल जाएगा, एकदम स्मूथ कर्व मिल जाएगा, बढ़िया वाला, ठीक है। तो अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो जो एक इंटरवल होगा वो तो 0 की तरफ ही टेंड करेगा ना, तो हम लोग जब जो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है कि ये वाली लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन के अंदर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, तो ये वाली डेफिनेशन यहीं से जा रही है, तो इन दोनों को ही समझने के लिए हमें क्या ज़रूरत थी, लिमिट की। तो लिमिट जो है वो लैंग्वेज है एक तरीके से, ठीक है ना, वो इसकी लैंग्वेज है। और अब कोई सोच रहा होगा जो हमने बीच में कंटिन्यूटी पढ़ी थी वो किस काम की थी, तो अगर आपको याद हो तो डेरिवेटिव में हमने एक चीज़ पढ़ी थी डिफरेंशिएबिलिटी, कि कोई फंक्शन जो है वो कब आप बोल सकते हो कि उसका उसके टेंजेंट का कुछ मतलब भी है, तो अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है ना तो आप उसका डेरिवेटिव क्या निकालोगे, पॉसिबल ही नहीं है। एंड सिमिलरली अगर आपको याद हो तो मैं इंटीग्रल्स को स्टार्टिंग से ये बोल रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन ऐसा दे रखा है, यानी कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तभी तो आप उसका एरिया निकालोगे, अब ऐसा कोई टूटा फूटा फंक्शन है तो उसका एरिया ऐसा नहीं निकलेगा, उसका हम सिर्फ कंटिन्यूस पार्ट्स ले लेंगे और उसका एरिया निकाल लेंगे, वो अभी मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो उसकी। तो कंटिन्यूटी की ये खासियत है, कंटिन्यूटी पहले पढ़ने का ये मतलब था। तो कहीं ना कहीं जो लिमिट और कंटिन्यूटी है ये दोनों फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं या फिर लैंग्वेज है, और इसके बेसिस पे हम लोगों ने ये दो कंसेप्ट निकाले हैं।
तो जैसे लिमिट कंटिन्यूटी और इससे पहले फंक्शंस भी होता है, फंक्शंस हो गया आपका, ग्राफ्स हो गया, वो सब चीज़ें हो गई, मैं इनको कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ प्री कैलकुलस, या ऐसे बोल सकते हो फंक्शंस एंड ग्राफ जो हो गया ये हो गया प्री कैलकुलस, कैलकुलस की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। लिमिट कंटिन्यूटी और उससे पहले कि आपकी एरिया टेंजेंट प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ा रखा है वो आपका हो गया फाउंडेशन की, लिमिट्स की वो सॉरी कैलकुलस की फील हो गई है। और अब ये मेन टॉपिक्स आ गए, तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस और इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और फिर अब इन दोनों के एप्लीकेशन आएंगे वो बाद में आएंगे, दैट वुड बी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा एक ही चैप्टर होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी बहुत बड़ा चैप्टर बन सकता है, पर हमारे सिलेबस में दुर्भाग्यवश सब कुछ नहीं है, बस दो ही टॉपिक हैं, दैट इज एरिया अंडर द कर्व और आपका क्या कहते हैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस। पर और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं कराऊंगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके आपके दो चैप्टर हो जाएंगे। तो हमने अभी डेरिवेटिव पूरा पढ़ लिया है और फिर हमने इंटीग्रल अब हम करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम इन दोनों के एप्लीकेशन पे आएंगे, यानी कि रियल लाइफ एप्लीकेशन पे। सो दैट्स इट, ठीक है। तो ये मैंने एक फील दे दी। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं एक बार जल्दी से बताता हूँ, तो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि जो हमारा एरिया निकालने का तरीका होता है जिसको हमने इससे शो किया था, एफ एक्स ए से लेकर के बी तक, चाहे डी एक्स लगाओ या ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको निकालने के तीन तरीके होते हैं। एक कि आप डायरेक्टली एरिया के फॉर्मूले यूज़ कर लो, जो कि सबसे शायद प्रिमिटिव तरीका होगा, क्योंकि वो हर जगह काम नहीं करता है, क्योंकि आपको फॉर्मूले कुछ लिमिटेड चीज़ों के बताएं, जैसे ट्राइंगल है ना, पॉलीगन के भी बता सकते हो, उस टाइप की चीज़ें, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप लिमिट वाली डेफिनेशन यूज़ कर लो, लिमिट वाली जो है ना, कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली जो डेफिनेशन है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होगा, तीसरा तरीका जो है वही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज़ द फास्टेस्ट तरीका, ठीक है। उसको मैं बोलने वाला हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, क्योंकि इससे आपको और डीप में समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये दिमाग खोल डालेगा पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये तो बस एक एक सो कॉल्ड एक इंट्यूशन वाली लेक्चर हो गया, ठीक है, मेन तो यही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।